फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट वैसे करना पड़ेगा जो आपके टॉप फंड मैनेजर्स करते हैं। आपको उनकी बताई हुई स्टाइल्स पे चलना पड़ेगा, उनकी चुनी हुई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आई वॉज कंपेयरिंग सम ऑफ द पोर्टफोलियोज ऑफ टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, और वहां पे मैंने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर जो टॉप फंड मैनेजर्स इंडिया के हैं वो कौन सी कंपनीज में पैसा लगाते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक्सिस मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो, सो दिस इज द पोर्टफोलियो ऑफ एक्सिस मिड कैप फंड, जहां पे उन्होंने चोलामंडलम से लेकर के सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक और जेके सीमेंट तक में पैसा लगा रखा है। मैंने इन सारी कंपनियों को वन बाई वन रिसर्च किया और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने एक कंपनी शॉर्टलिस्ट करी है जिसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड बिलीव मी, मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा इन टॉप 10 कंपनियों के ऊपर रिसर्च करने में, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज से अच्छी मुझे कोई वैल्यू नहीं लगी जो मैंने एक्सिस मिड कैप के पोर्टफोलियो से उठाई है। सो लेट्स क्लोज दिस विंडो नाउ। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन लास्ट 3 to 4 ईयर्स। इससे मैंने एक कंपनी उठाई है कोफोर्स लिमिटेड। कोफोर्स इज आईटी कंपनी और आज का उसका क्लोजिंग प्राइस करीबन 3300 के आसपास है। इसके पोर्टफोलियो में मैंने डिटेल रिसर्च करी और उस उन 10-20 कंपनियों में मैंने सिर्फ एक कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है, वो है कोफोर्स लिमिटेड। सो यू कैन लुक एट द हाईलाइट, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लिमिटेड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड टाटा मिड कैप फंड। एक्सिस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और पीजीआईएम के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इन सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इन दोनों कंपनीज यानी कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज और कोफोर्ज दोनों में लंबा चौड़ा तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सो लेट्स एनालाइज दीज टू कंपनीज कि आपको ये कंपनीज क्यों खरीदनी चाहिए और मैं इनको खरीदने की वकालत क्यों कर रहा हूँ। सो लेट्स गो टू सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्री क्या करती है, पहले उस कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लीडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, हैविंग 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पाइप टू चेयर टू अदर प्लास्टिक आइटम्स। तो इनका जो मेजर मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस है वो प्लास्टिक और पाइपिंग डिवीजन से ही आता है। पाइप में अगर आपने नाम सुना हो एस्ट्रल पाइप का, एस्ट्रल पॉलीपैक का ना आपने नाम सुना होगा, ये इनकी सेकेंड कॉम्पिटिटर है। बट सुप्रीम इज सुप्रीम इन दिस वर्टिकल। ये बहुत पुरानी कंपनी है और इनका मार्केट शेयर अभी भी लगभग 40-40 और 50-50% के आसपास इनका मार्केट शेयर है अपने सेगमेंट में। नाउ वी टॉक अबाउट दिस कंपनीज मार्केट कैप। मार्केट कैप इस कंपनी का है 27,785 करोड़। करेंट मार्केट प्राइस है 2187। स्टॉक का पी है 28.4 जो कि निफ्टी की पीई से कम है। इसका मतलब है कि कंपनी एक अट्रैक्टिव और लो वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और इस कंपनी को हमें अभी जरूर खरीदना चाहिए। बुक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी इज 249। दो रेशियो जो कंपनी की परफॉर्मेंस को एक्चुअल दिखाते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल और इक्विटी के लिए, इक्विटी के अगेंस्ट कैसा रिटर्न कमा के दे रही है अपने इन्वेस्टर को और कैसे प्रॉफिट्स बना रही है। तो दीज आर द टू रेशियो। आरओसीई इज 41%। एनी फिगर अबव 20% इज वेरी गुड। सो दिस इज वे अबव देन 20% इज 41.4%। आरओई इज 36%। ये रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं इसको, ये भी बहुत बढ़िया है। कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ, लास्ट वन ईयर की सेल्स ग्रोथ इज 15.4%। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे है 49% के आसपास की, और जो लास्ट ईयर की सेल थी वो कंपनी की थी 6,357 करोड़ की। द प्रॉफिट वॉज 978 करोड़। कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 3,144 करोड़ के। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है और कंपनी के पास कोई भी इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, तो स्ट्रेस नहीं होगा आगे चल के। इन अगर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी तो कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो स्मूथ होती है। कंपनी इज गिविंग रेगुलर डिविडेंड ऑल्सो, करीबन 1% का आपको ये डिविडेंड देते हैं, जो इन्वेस्ट जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस
की अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निशानी है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के हितों का भी ख्याल रखती है। नाउ वी लुक एट द चार्ट ऑफ मैक्सिमम चार्ट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी का जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास वो है मार्च 2005 से। द प्राइस वाज 26 और 25 रुपीस इन मई जून अप्रैल मई जून 2005। अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2187, तो करीबन 100 गुना रिटर्न कंपनी पिछले 15 सालों में अपने इन्वेस्टर को दे चुकी है। कंपनी की ग्रोथ अभी जिस हिसाब से जारी है, जैसे क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी सेल्स कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, तो ऐसे प्रॉफिट कंपनी ये बनाती रहेगी और ऐसे इन्वेस्टर को अपने रिटर्न देती ही रहेगी। अगर कंपनी के मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करता हूँ यानी प्रोस की बात करता हूँ, सो कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट डेट, इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ओवर ग्रोथ, गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 34% का CAGR बहुत तगड़ा CAGR होता है, मतलब हर दूसरे साल आपका पैसा डबल हो रहा है अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। तो कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ मोर देन 26.58% इन लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 34.48%। सो कंपनी के बारे में सारी अच्छी बातें स्क्रीनर्स ने बोली हैं, कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोली है। नेगेटिव बात सिर्फ एक बोली है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 8.77 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। तो जो कंपनी अच्छा करेगी उसको मार्केट वैल्यूएशन भी अच्छा देगा। हालांकि इस सेक्टर में, प्लास्टिक पाइप सेक्टर में, सारी कंपनी ओवर वैल्यूड है। ये कंपनी सबसे सस्ते और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई दूसरी कंपनी उठाता हूं तो करीबन 20 गुना महंगी मिलेगी अपने बुक वैल्यू से। तो लुक एट द कंपैरिजन, एस्ट्रल का मैंने आपको कंपैरिजन बताया था और सुप्रीम का बताया था, बाकी दूसरी कंपनियों उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत छोटी है और उनके ब्रांड भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वी ओनली टॉक अबाउट एस्ट्रल एंड सुप्रीम। एस्ट्रल पाइप जिसका सलमान खान एड करते हैं, और सुप्रीम इंडस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि उसे सलमान खान जैसे एक्टर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ लुक एट द क्वार्टरली सेल्स, 2084 करोड़, एंड हियर एस्ट्रल का जो क्वार्टरली सेल है वो 897 करोड़ का है। क्वार्टरली प्रॉफिट अगर आप देखते हैं, नेट प्रॉफिट 450 करोड़, विच इज द हाइएस्ट इन द इंडस्ट्री, और एस्ट्रल का है 123। अगर पी रेशियो की बात करते हैं तो एस्ट्रल का पीई है 112.91, विच इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी कंपनी है। मैं इस प्राइस पे कभी किसी कंपनी को नहीं खरीदूंगा बीइंग अ वैल्यू इन्वेस्टर, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज मुझे एक बेहतरीन वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ देखते हैं, जून 2018 में दिस कंपनी मेड अ टोटल सेल ऑफ 1346 करोड़, जो कि अब जाके पहुंच चुका है 2085 करोड़ का पहुंच चुका है। अगर आप दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं, यानी कि दिसंबर 19 लॉकडाउन या पेंडेमिक के पहले का क्वार्टर था, तो वहां पे इसकी जो सेल्स थी वो थी 1373 करोड़ की। नाउ दिस सेल्स हैज बीन 2085 करोड़। अभी जब लॉकडाउन खुलेगा, धीरे धीरे पेंडेमिक का असर कम होगा, ये सेल्स और भी आगे बढ़ने वाली है और प्रॉफिट्स भी इस कंपनी के रॉकेट करने वाले हैं। नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 186 आज से 3 साल पहले वो पहुंच चुका है 510, ये 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है, 2.5 गुना हो चुका है। अगर मार्जिन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन था 14% आज से 3 साल पहले, वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के हो चुका है 24%। मतलब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अच्छी प्राइसिंग मार्केट में मिल रही है, और कंपनी अभी यहाँ से और भी प्राइसेस बढ़ाने की कंडीशन में है, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और आप इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एनुअल की बात करते हैं, तो 2010 में कंपनी का जो टोटल सेल्स था फॉर अ ईयर इट वाज 2007 करोड़, नाउ इट इज 6357 करोड़। तो कंपनी ने 3 गुना अपने क्वार्टरली अपनी एनुअल सेल्स वहां पे बढ़ा ली है। ये दिखाता है कि कितना हेल्दी ग्रोथ हो रहा है यहाँ से।
इस कंपनी के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, बहुत कोई नेगेटिव बात करने को है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं बिताऊंगा। इट्स अ मस्ट बाय, थम्स अप है मेरी तरफ से। अगर आपके पोर्टफोलियो में सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक नहीं है तो आप जाइए और इसको आज के आज मतलब जब मंडे आप मार्केट खुलता है तो डेफिनेटली इसमें यू कैन स्टार्ट बाइंग। बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इस वैल्यूएशन पे शायद आपको कंपनी थोड़े दिनों बाद, 2-4 महीने के बाद या 1 साल के बाद देखने को नहीं मिलेगी, और आप जब गाड़ी निकल जाएगी तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे और इतना अच्छा वैल्यूएशन आपको मिलेगा नहीं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट कंपनी इन आवर लिस्ट, विच इज कोफोर्स लिमिटेड। सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स, एक मिड कैप फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक खरीद रखे हैं, अच्छे खासे स्टॉक खरीद रखे हैं। दिस इज एन आईटी कंपनी, आईटी सर्विसेज में है, एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है सर्विसेज को। इट इज अमंग द टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, प्रोमिनेंट ग्लोबल कस्टमर इंक्लूड ब्रिटिश एयरवेज, द आईएनजी ग्रुप, एसईआई इन्वेस्टमेंट, सैबरे एंड सेटा। ओवर द इयर्स कोफोर्ज हैज सेट अप सब्सिडरीज इन यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी एंड थाईलैंड, मेनली टू मार्केट एंड मोबिलाइज प्रोजेक्ट्स टू द सॉफ्टवेयर डिवीजन। तो कंपनी के बारे में बात करने को बहुत कुछ है। एक तो सेक्टर ऐसा चुना है कि आईटी है, आईटी का फ्यूचर हमेशा ब्राइट है आने वाले 10 20 25 सालों में। कंपनी बहुत महंगी नहीं है, सिंस इट इज अ न्यू कंपनी सो इट हैज अ स्काई टू ग्रो। टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस जैसी कंपनीज बहुत ग्रो कर चुकी हैं, उनके मार्केट कैप 10 लाख, टीसीएस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का है, कोफोर्स का मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है। सो यहाँ से बहुत कैचअप रैली अभी बची हुई है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, तो ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। और अगर यहाँ से 10 गुना कंपनी बड़ी होती है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर का पैसा भी 10 गुना बढ़ता है। अगर इसके ट्रेंड की बात करते हैं तो आज की न्यूज है, आज कंपनी ने 14% का जंप दिया है एक दिन में स्टॉक प्राइस ने, और इट हैज क्लोज्ड ऑन 52-week high, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। तो 14% का जंप, क्योंकि 18% का अगर मैं रुपी टर्म्स में बात करूं तो इट वाज अ जंप अप 18%, अगर मैं यूएस टर्म्स में बात करूं, डॉलर टर्म्स में बात करता हूं, तो प्रॉफिट जंप वाज 7.1%। इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है करीबन 13 या 15 रुपए पर शेयर का। हालांकि डिविडेंड, मैं बहुत ज्यादा डिविडेंड सेवी कस्टमर हूं नहीं, आई एम अ ग्रोथ काइंड ऑफ इन्वेस्टर, जहां पे मुझे कंपनी में ग्रोथ चाहिए होती है, मल्टीफोल्ड रिटर्न चाहिए होते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो इस कंपनी की अच्छी बातें क्या लगती हैं मुझको, एक तो मार्केट प्राइस चली चढ़ी है, इस कंपनी का वैल्यूएशन 43 के वैल्यूएशन पे मिल रही है, पीई वैल्यूएशन। आईटी कंपनी के लिए बहुत महंगा नहीं है, आरओसीई इज मोर देन 25%, आरओई इज 19.3%। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करता हूं तो इट इज 11.4% और लास्ट के 3 ईयर में इट हैज गिवन फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ 64%। प्रमोटर होल्डिंग, नाउ लुक एट हियर, प्रमोटर होल्डिंग अभी जो करंट प्रमोटर होल्डिंग है वो है 64%। लास्ट के 3 सालों में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 33% बढ़ाई है। लुक एट 33%, ऐसा कौन सा प्रमोटर होगा कि जो स्टॉक में स्टॉक को पब्लिक डोमेन से सेकेंडरी मार्केट से खरीदता है और 33% अपनी होल्डिंग बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी मैं चला रहा हूं उस कंपनी के बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं उसके फ्यूचर के बारे में कि मैंने मार्केट से जाकर के 33% की होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस इज 2406 करोड़, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 456 करोड़ है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0। इस कंपनी के बारे में कितनी पॉजिटिव चीजें मैं बात करूं वो उतनी कम पड़ रही हैं। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होते तो मैं एक स्ट्रेटेजिक बाइंग जरूर करता इस कंपनी में। हालांकि इस समय मैं 90% इन्वेस्टेड हूं मार्केट में, ओनली 10% आई एम सिटिंग ऑन कैश। तो डेफिनेटली सुप्रीम इंडस्ट्रीज और कोफोर्स मेरे लिस्ट में है कि मैं इन पे अपनी होल्डिंग डेफिनेटली बढ़ाऊंगा। अगर कंपनी की ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट कैसा करता है इसका, तो कंपनी 2005 में वाज ट्रेडिंग एट नाउ 92 रुपीज, 92 के बाद अभी जो इसका प्राइस है वो है करीबन 3380 रुपीज। कंपनी बीच में स्प्लिट भी हुई थी, इसने बोनस भी दिए थे, तो दिस कंपनी हैज गिवन फिनोमिनल रिटर्न टू देयर इन्वेस्टर। कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यानी प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस करा है, कंपनी के ऊपर 0 डेट है, 0 कर्जा है, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 20.31%।
स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.31 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये कौन सा है? नेगेटिव। अगर कुछ नहीं मिलता है स्क्रीनर्स को तो ये बुक वैल्यू के हिसाब से आपका प्राइस कंपैरिजन यहाँ पे डाल देता है, विच यू कैन नेगलेक्ट। ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है कंपनी के लिए। सो दिस इज अ कंपैरिजन। ये मिड कैप आईटी कंपनीज हैं, सारी मिड साइज आईटी कंपनीज हैं, उनके अगेंस्ट ये कंपैरिजन है। सो द कंपनी मार्केट कैप इज 20,484 करोड़। नेट प्रॉफिट बनाया था इसने 133 करोड़ का, और जो सेल्स करी थी लास्ट क्वार्टर में वो करी थी 1,261 करोड़ की। नाउ सेल्स अगर आप देखते हैं जून 18 करीबन 3 साल पहले जो इनकी सेल थी वो थी 825 करोड़। अभी इनकी क्वार्टरली सेल्स इज अराउंड 1,262 करोड़, जो कि दिसंबर क्वार्टर से काफी अच्छा बढ़ चुकी है। आप यहां से एक पॉजिटिव ट्रेंड देख चुके हैं जून से और अभी तक, जून से लेके अभी तक, मार्च से लेके अभी तक दिस कंपनी हैज सोन अ 20% ग्रोथ ओवर द सेल्स। इस कंपनी के मार्जिन भी 17% हैं, वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि द रेंज वॉज 16, देन इट डिप डाउन टू 14, नाउ इट इज अगेन टचिंग 17%। यूएस और यूके मार्केट में इन्होंने बहुत नए करार किए हैं, नए नए एग्रीमेंट्स किए हैं, नए क्लाइंट सेट करें अपनी किटी में, विच आर गोइंग टू हेल्प इन द फ्यूचर। नाउ बात करते हैं कंपनी के 10 साल पहले की परफॉर्मेंस कैसी थी और अभी परफॉर्मेंस कैसी है। तो कंपनी 10 साल पहले मार्च 2010 में वॉज डूइंग अ टोटल सेल्स ऑफ 914 करोड़, जो कि सेल्स अब बढ़ चुकी है 4,663 करोड़, करीबन वहां से 5 गुना सेल्स बढ़ चुकी है पिछले 10 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इट वॉज 171 करोड़, विच इज नाउ 780 करोड़, तो ये भी करीबन 5-6 गुना वहां से बढ़ चुका है। बट कंपनी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ ना कुछ इंटरनल चीजें ऐसी चल रही हैं कि शेयर होल्डर जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इस कंपनी ने पिछले 10 साल में करीबन 33% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है, मतलब हर 2 से 2.5 साल में अपने इन्वेस्टर का पैसा इन्होंने डबल कर दिया है। डिविडेंड भी देते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट बाय कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाता हूँ। जून 2018 प्रमोटर वर होल्डिंग ओनली 30.65%, इसके बाद ये कांस्टेंट था अगले कुछ क्वार्टर्स तक, लेकिन सितंबर 19 उन्होंने अपनी होल्डिंग 70% कर ली थी, जो कि बाद में उन्होंने 63% कर ली। लेकिन अगर 3 साल की होल्डिंग कंपैरिजन करें तो उन्होंने 33% स्टेक अपनी कंपनी में बढ़ा दिया है। सो FIIs के पास बहुत तगड़ी होल्डिंग होती थी और इनके प्रमोटर्स ने FIIs से वो अपनी होल्डिंग से वापस ली है। पब्लिक के पास सिर्फ 9.5% है, 11.85% DIIs के पास है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के अंडर आते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कोफोर्स। हाँ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में जाते जाते एक बात बता दूं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे दिए हैं। सो दीज आर द रिटर्न, CAGR ऑफ लास्ट 10 ईयर्स इज 31%। 31% CAGR का मतलब है कि हर साल इन्होंने कंपाउंडिंग रिटर्न 31% का दिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सुप्रीम इंडस्ट्रीज एंड कोफोर्ज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड आप ऐसे वीडियो मिस ना करें अच्छी वैल्यूएबल कंपनीज के बारे में जानने के लिए। टू कीप ट्यून ऑन माई चैनल, प्लीज कीप वॉचिंग, एंड हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।